ठीक है जी, थर्ड लेक्चर शुरू करते हैं मार्केट्स का, और ओवरऑल हमारा नाइन्थ लेक्चर है सीरीज़ का। टोटल 25 में से 9 आज कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। ओके, तो अब इस लेक्चर में हम कवर क्या क्या करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है डेरिवेटिव्स, उसके तीन टाइप होते हैं डेरिवेटिव्स की, ऑप्शन, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स, उसके बारे में जानेंगे। देन जीरो कूपन बॉन्ड्स नाम की कोई चीज़ है, सोवरन डेट नाम की चीज़ है, यानी खान कमेटी की रिपोर्ट आई थी उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको डेरिवेटिव्स के बारे में बताता हूँ, शुरू करते हैं। इंग्लिश का वर्ड ही है इको, में मैंने आपको बताया इंग्लिश के वर्ड्स ही हैं इसे रेफर सिर्फ। अगर आप इंग्लिश के वर्ड्स समझ जाएंगे तो इको भी काफ़ी समझ आ जाएगी। डेरिवेटिव इज जो कोई ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट, ऐसी कोई चीज़ जो अपनी वैल्यू डिराइव करती हो किसी और चीज़ से। इसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन कोई अंडरलाइंग, देर इज़ एन अंडरलाइंग एसेट, कोई अंडरलाइंग एसेट है जो उस एसेट से ये वैल्यू अपनी डिराइव करती है। मतलब क्या हुआ, हो सकता है डेरिवेटिव्स बिलोंग करते हों इक्विटी को, कि कोई किसी कंपनी के शेयर प्राइस पे बेस्ड कुछ और आगे कोई इंस्ट्रूमेंट बना दे, कि 3 महीने बाद अगर आपको शेयर खरीदना है उसके लिए ये देखो ये कागज़ अवेलेबल है, आपको 6 महीने बाद ये शेयर खरीदना है उसके लिए ये देखो ये कागज़ अवेलेबल है, उसको बोलेंगे इक्विटी बेस्ड डेरिवेटिव। ऐसा हो सकता है कि लेट्स से कमोडिटीज़ बेस्ड डेरिवेटिव भी हो सकता है, कि आपको चने की दाल खरीदनी है, लेट्स से आप ट्रेडर हो, बड़े ट्रेडर, 6 महीने बाद 3 महीने बाद, तो उसको बोलेंगे कमोडिटी बेस्ड डेरिवेटिव। जो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो आप 3 महीने 6 महीने वाला, उस कॉन्ट्रैक्ट की कोई खुद की कोई वैल्यू तो नहीं है, उसकी वैल्यू कहाँ से आती है, उसके अंडरलाइंग एसेट से। अंडरलाइंग एसेट क्या था, चाहे वो इक्विटी हो सकता है, कमोडिटी, इवन कि इमेजिन इंटरेस्ट रेट पर भी होता है, कि मुझे आज उधार नहीं चाहिए, आज इंटरेस्ट नहीं लेना मुझे उधार, वो नहीं चाहिए अपना डेट चाहिए मुझे 3 महीने 6 महीने बाद जब भी, तो उसके लिए मैं आज से चाहता हूँ लेकिन इंटरेस्ट फिक्स हो जाए, ठीक है जी, कि मैं आज ही मैं अपने हिसाब से मैं अब किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लूँगा, कोई अग्री करेगा तो इंटरेस्ट बेस्ड डेरिवेटिव कहलाएगा। ऐसे ही ऑयल, जो आप ना, आपको मैं बात बताता हूँ यहाँ पर, जो आप ऑयल के जो मेजरली देखते हैं, जितने भी आप प्राइसेस लिख के आते हैं अखबार में कि ऑयल $41 हो गया बैरल, $48 पर बैरल हो गया, तो ये जो 41, 42 जो भी डॉलर पर बैरल आ रहा है, ये इसकी डेरिवेटिव वाली वैल्यू है, फ्यूचर की वैल्यू है, आज की वैल्यू नहीं है, वो ऑयल डेरिवेटिव्स की वैल्यू है। आज ऑयल कितने का मिल रहा है वो 3 महीने पहले ही डिसाइड हो गया था, ठीक है जी, तो वो ऑयल डेरिवेटिव की वैल्यू है, ठीक है। अब एक यहाँ पे टर्म जानते हैं ऑप्शंस क्या होती हैं। ऑप्शंस भी एक तरह का डेरिवेटिव ही है। देखो ऑप्शन में इंग्लिश का वर्ड है, आपके पास ऑप्शन होती है किसी चीज़ को खरीदने की, किसी चीज़ को खरीदने की या बेचने की एक फ्यूचर डेट में, किसी फ्यूचर डेट में। इसका मतलब क्या हुआ, बस एक बार सुनो ये ना, जैसे नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड वाले होते हैं उनको ये बातें बहुत टफ लगती हैं, जबकि बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, ये आम इंसानों ने बनाई हैं तो आम इंसान ही इसको यूज़ करते हैं हर रोज़, सो हैज़ टू बी वेरी सिंपल। ऑप्शंस क्या कहती हैं, जैसे मान लो कि आज रिलायंस के एक शेयर की बात कर रहे हैं, रिलायंस का जो शेयर है उसकी लेट से आज कीमत है, आज उसकी लेट से कीमत चल रही है 100 रुपये, ठीक है जी। कोई एनालिसिस करता है, एक इंसान ए है, वो एनालिसिस करता है, उसको लगता है कि 3 महीने के बाद इसकी कीमत 150 रुपये होने वाली है, ठीक है जी। तो उसको लगता है कोई अगर इसके साथ, ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि उसको शेयर वो 3 महीने बाद डिलीवर करेगा, लेकिन 150 रुपये से कम में डिलीवर करेगा, 150 रुपीज़ से कम में डिलीवरी होगी। लेट्स से कोई ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, कोई इंसान बी, वो कह रहा है भाई 3 महीने बाद मुझको, मेरे से उठा लियो, तो मेरे को एक, मैं 140 में तेरे से अग्रीमेंट करता हूँ। ए तो खुश हो जाएगा कि भाई 3 महीने बाद 140 से मुझे शेयर बेचेगा ये, मैं उसको मार्केट में 150 का बेच दूंगा, क्योंकि मैं उसके ए के हिसाब से 150 होने वाली वैल्यू। बी कह रहा नहीं, इसका असेसमेंट गलत है, मेरे हिसाब से तो 140 भी हिट नहीं होगी, 130-135 रहेगी, एंड मुझे तो ये पता नहीं क्यों 140 दे रहा है आज, ठीक है जी। अपने अपने असेसमेंट हैं, अपने अपनी कैलकुलेशन हैं, ठीक है जी। मान लो 3 महीने बीत गए 3 महीने बाद जो सच में जो रिलायंस के शेयर की प्राइस निकली उस दिन, लेट से अब एक दो केसेस बना लेते हैं। पहला केस, लेट से वो प्राइस निकली मोर देन 150, लेट से 160 रुपये प्राइस निकली, 160 रुपये, एक तो असेसमेंट बहुत सही निकला, उसको अब 160 रुपये की चीज़ 150 में मिल जाएगी, वो 150 में खरीदेगा बी से, ठीक है जी, एंड मार्केट में जाके 160 बेच देगा, 10 रुपीज़ कमा लेगा, बहुत बढ़िया। केस नंबर टू कि उसकी वैल्यू 150 ही निकली, अब क्या हुआ इस केस में, 150 निकली वैल्यू, 150 का उसको शेयर दिया बी ने, ए को दिया, एंड ए ने 150 में मार्केट में बेचा, कुछ फ़ायदा नुकसान अभी यहाँ नहीं हुआ। एंड देन लेट्स से तीसरा केस, लेट्स से 150 से कम निकली वैल्यू,
कि उस दिन शेयर इतना बड़ा ही नहीं, एक ही असेसमेंट खराब निकली। 140 का शेयर खरीदा, सॉरी 140 का शेयर, उसको तो कॉन्ट्रैक्ट में तो साइन उसने 150 किया हुआ है, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट में साइन की हुई कीमत, 150 में खरीद के उसको 140 में मार्केट में बेचना पड़ेगा, तो -10 हो गया, ठीक है जी, तो लॉस हो गया। तो आप ये बात सिंपल ध्यान रखना, चाहे ये अभी हम वी आर 5 मिनट्स इनटू द वीडियो, दोबारा जाके 2 मिनट रिवाइंड करके देखो कि ऑप्शंस होती क्या हैं। ऑप्शंस में यू हैव द ऑप्शन। अब देखो इस केस में -10 वाली जो लॉस वाली जो कंडीशन आई, ए के लिए तो ये यूजलेस कंडीशन है, उसका तो नुकसान हो रहा है कि 150 रुपये देकर वो 140 की चीज़ खरीद रहा है, तो ए क्या करेगा, ए कहेगा मेरे पास तूने मुझे ऑप्शन दी थी टू नॉट बाय, ऑप्शन में देर इज एन ऑप्शन टू बाय और टू नॉट बाय, चाहे तो वो ना खरीदे। अब इस केस में तो वो एक्सरसाइज करेगा, इसमें एक्सरसाइज करने का कोई फ़ायदा ही नहीं, कुछ फ़ायदा नुकसान नहीं है, एंड यहाँ पर भी वो एक्सरसाइज नहीं करेगा। अब ए कहेगा कि जब भी मुझे प्रॉफिट होगा तभी सिर्फ मैं इसको एक्सरसाइज करूँगा, नुकसान में तो मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगा उस ऑप्शन को, एंड ए उसको नहीं खरीदेगा। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि बी ने ये किया ही क्यों, बी ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन ही क्यों किया, ए के फेवर का लग रहा है। भाई बी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन इसलिए किया क्योंकि बी को एक प्रीमियम मिला था, प्रीमियम। अपना इमेजिन करो, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ये, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का नाम सुना हुआ आपने, इंश्योरेंस है ना, ठीक है जी। आप इंश्योरेंस खरीदते हो कि लेट्स से अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाए तो मुझे आप 10 लाख रुपये दे देना, ठीक है जी, 10 लाख रुपये मांग लेते हो आप, ठीक है जी, एक्सीडेंट हो जाए तो। लेकिन क्या आज उसको आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो जब इंश्योरेंस कंपनी से, तो क्या आप 10 लाख रुपये पे करते हो? नहीं, आप 10 लाख पे नहीं करते, आप कुछ प्रीमियम पे करते हो, कुछ 100 रुपये 1000 रुपये जो भी कंपनी डिसाइड करती है। आपने मान लो 1000 रुपये का प्रीमियम दिया आज कि इन केस अगर एक्सीडेंट हो जाए आपको 10 लाख मिल जाएंगे, तो आपने 1000 रुपये किए थे ना 10 लाख रुपये के लिए, अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ तो 1000 रुपये कंपनी के हो गए, ठीक है, ऐसी कंपनियां काम करती हैं। ऐसे ही बी भी कहेगा, बी कहेगा कि भाई इसकी असेसमेंट गलत है, 150 तो होने वाला है नहीं, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए जो प्रीमियम दे रहा है मैं वो प्रीमियम कमा लूँगा, ठीक है जी। तो इसीलिए क्या हुआ ऑप्शन वाले केस में, क्विकली रिमाइंड करते हैं कि अगर ए ने जो प्राइस डिसाइड की थी अगर उसके ऊपर निकला, ए ने बोला 150 में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अगर प्राइस उसके ऊपर निकली तब तो ए जीत गया और ए पैसे कमाएगा, अगर उसके नीचे निकली तो ए को, ए का प्रीमियम इज लॉस्ट, ए का प्रीमियम गया। तो अब यहाँ पे क्विकली एक बात देखो फटाफट से लास्ट, क्योंकि प्रीमियम को भी इंक्लूड करते हैं हम, इसलिए ए को अगर जीतना है तो, ए को अगर जीतना है तो उसको, उसको 150 रुपये के ऊपर अपना प्रीमियम भी रिकवर करना है, जितना उसने 1 रुपया 2 रुपये 50 पैसे जो भी प्रीमियम दिया है कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए, उसको उतनी प्राइस तो चाहिए ही हो गई। मान लो उसने अगर प्रीमियम दिया हो 2 रुपये प्रीमियम दिया ये सारा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो जब तक 152 या उसके ऊपर नहीं रहती प्राइस तब तक ए को फ़ायदा होने वाला नहीं है, गेटिंग इट, कि 153 154 हिट करेगी तब उसके पैसे रिकवर होंगे, अदरवाइज तो ए लॉस में है, उसके नीचे तो ए एक्सरसाइज नहीं करेगा, ठीक है जी। ऑल राइट, ये आपको प्री में सवाल पूछ सकते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट, फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, एग्जैक्टली सेम चीज़ होती है फॉरवर्ड एंड फ्यूचर, लेकिन जनरली बात कहाँ पे हो रही है, जनरली बात हो रही है थोड़ा सा शायद कमोडिटीज़ की बात करते हैं हम। कमोडिटीज़ क्या होती हैं, जो चीज़ें आप रोज़मर्रा में यूज़ करते हैं, जैसे लेट्स से दाल, कॉटन, स्टील, ऑयल, ठीक है जी, ये सब कमोडिटीज़ हैं। एक आपके पास है इक्विटी शेयर डेट वाला और एक है कमोडिटी। तो ये कमोडिटीज़ की मार्केट दुनिया में बहुत बड़ी मार्केट है, जो इनफैक्ट अगर इंडिया की बात करें तो एक असेसमेंट कहती है कि इंडिया में जो भी आपका शेयर बाजार है उससे 14 गुना बड़ी मार्केट कमोडिटीज़ की मार्केट है, ठीक है, तो इट्स अ ह्यूज मार्केट। तो अब फॉरवर्ड एंड फ्यूचर भी क्या है, एक किसी एक फ्यूचर डेट के बारे में ही कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे जैसे आपका ऑप्शन एक फ्यूचर डेट के बारे में कॉन्ट्रैक्ट था, ऐसे ही आपके फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स भी एक फ्यूचर डेट के कॉन्ट्रैक्ट हैं। किसके किसके अंडरलाइन, कमोडिटीज़ के अंडरलाइन, जनरली कमोडिटीज़ होती हैं, लेकिन आप चाहो तो मैंने जैसे पहले बताया इंटरेस्ट में भी कर सकते हो इसको, ठीक है जी, एंड इवन कि फॉरेन एक्सचेंज में भी कर सकते हो कि भाई मैं आज से ही चाहता हूँ कॉन्ट्रैक्ट में आना, 3 महीने बाद मुझे $1 के इतने रुपए ही चाहिए, ठीक है जी, आज मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कौन साइन करना चाहता है साइन कर ले, ठीक है जी, इतने रुपए ही चाहिए, जितना भी कॉन्ट्रैक्ट का वो चाहता है कीमत डिसाइड करना, ओके। तो फ्यूचर डेट, तो फ्यूचर एंड फॉरवर्ड में डिफरेंट डिफरेंस क्या हुआ, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। लेट्स से एक कोई पार्टी ए है, एक कोई पार्टी बी है, ए को लेट्स से कॉटन बेचनी है, कॉटन सेल करनी है, लेट्स से बी को
कॉटन बाय करनी है, ठीक है जी। अगर ए कह रहा है कि मुझे नहीं पता किसको कॉटन खरीदनी है, किसको किसको क्या चाहिए, कितने रिक्वायरमेंट, मैं तो जा रहा हूँ एक एक्सचेंज में। एक्सचेंज में गया, कमोडिटीज़ के एक्सचेंज बने होंगे, एक्सचेंज में जाके अगर ये बेचता है और बी कहता है मुझे नहीं पता कौन बेच रहा है, मुझे खरीदनी है, मैं एक्सचेंज में जाके देखता हूँ कौन बेच रहा है, ठीक है जी। तो ये एक्सचेंज से अगर जो ट्रेड हो रहा सब सामान, तो एक्सचेंज वाला इज फ्यूचर। अगर लेट्स से ए और बी आपस में ही एक दूसरे से इंटरेक्शन कर ले, तो दैट इज व्हाट, दैट इज फॉरवर्ड। थोड़ा सा बात ही ध्यान रखना, एक्सचेंज फैसिलिटेटेड इज फ्यूचर, एंड इसको फॉरवर्ड को क्या बोलते हैं, ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर भाई, किसी की दुकान पे गए, उसके काउंटर पे खड़े हुए, बोला भाई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है मेरे साथ, ओवर द काउंटर। दैट इज वाई दीज आर नोन एज ओटीसी ट्रांजैक्शंस, ठीक है। ओटीसी आपको वर्ड समझ आया, ओके okay. ये किताबों में वर्ड लिखा होता है, बहुत बच्चे पूछते हैं कि ओटीसी का मतलब क्या हुआ, ओवर द काउंटर, किसी की दुकान पे गए आपने, वहां जाके पूछ लिया। एंड देन एक और चीज यहां पर, फॉरवर्ड में एंड फ्यूचर में एक डिफरेंस है। जैसे हमने ऑप्शन में देखा था, अगर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू में आप जीत जाते हो, जो आपने प्रेडिक्ट किया उस, वो ऐसी वैल्यू है जिसमें आप जीत जाते हो, कॉन्ट्रैक्ट आपके फेवर का आ गया, उस केस में क्या होता है, जैसे लेट्स से हमने देखा था, मान लो प्रीवियस केस में 150 रुपये किसी ने डिसाइड किया कि अगर इतने का शेयर होगा तो मुझे बेच देना, उस डेट को 160 का निकला, तो वो ए जीत गया था, ए को 10 रुपये का मुनाफा हुआ था। तो अब ऐसा नहीं होता कि ट्रांजैक्शन ऐसे नहीं होगी कि पहले बी उसको शेयर बेचेगा, फिर ए वो शेयर लेके जाएगा मार्केट में 160 का बेचेगा, 10 रुपये प्रॉफिट होगा, नहीं। सिंपली बस आप अज्यूम करो, एक तरह की बेटिंग हो रही है, बेटिंग, जो भी प्राइस डिफरेंस निकलता है वो उसको ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। 150 के और 160 का प्राइस डिफरेंस 10 रुपये निकला, उसने अपना प्रीमियम था, प्रीमियम काटा, प्रीमियम चलो पहले ही कट चुका है, तो 10 रुपये उस ए के खाते में जमा हो जाएंगे, ऐसा होगा, ठीक है। कोई शेयर शोर यहाँ वहाँ ट्रांजैक्ट नहीं होते, बस सिंपली लगाओ बेटिंग हो रही है। सिमिलरली फ्यूचर में, फ्यूचर में भी यही होता है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस डिफरेंस, आपके पास मर्जी है, आप चाहो तो जो कॉटन, दाल, चना, जो भी जिसका भी कमोडिटी अंडरलाइंग जो भी चीज़ थी, वो चाहो तो उसकी डिलीवरी ले सकते हो, यू कैन टेक द डिलीवरी, एंड यू कैन ऑल्सो गो फॉर प्राइस डिफरेंस। आप बोलोगे मुझे नहीं चाहिए दाल, चना, कॉटन, मुझे तो बस जो भी प्राइस का डिफरेंस है, मैं कॉन्ट्रैक्ट जीत गया, जितने 10-15-20 रुपये पर कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं, मेरे 1000 कॉन्ट्रैक्ट थे, 20,000 मेरे खाते में जमा करा दो, दैट्स इट। लेकिन फॉरवर्ड में ये वाली फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, फॉरवर्ड में डिलीवरी लेनी पड़ती है, फॉरवर्ड में डिलीवरी इज मैंडेटरी। आपको प्राइस डिफरेंस का फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी चीज़ थी, हो सकता है मार्केट में चने की दाल 200 रुपये किलो मिल रही हो, आपने कॉन्ट्रैक्ट 150 का किया हुआ 3 महीने पहले, आपको 150 रुपये किलो के हिसाब से दाल मिल जाएगी, जितना केजी आपने दाल मांगी होगी उतना केजी आपको दाल मिल जाएगी, ठीक है जी। अब एक और बस आपको आखिरी डिफरेंस बता रहा हूँ फ्यूचर फॉरवर्ड का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था। एक हमने क्या देखा, एक्सचेंज ट्रेडेड एंड ओवर द काउंटर, दूसरा प्राइस डिफरेंस डिलीवरी के ऑप्शन, यहाँ पर सिर्फ डिलीवरी, तीसरा फ्यूचर में इस कि ये यहाँ पर कस्टमाइज नहीं कर सकते आप, कस्टमाइज की लेट से फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में बिक रहा है, एक्सचेंज में बिक रहा है, वो बिक रहा है 1000 किलो दाल का, मुझे 1000 किलो दाल नहीं चाहिए थी, मुझे तो 800 किलो चाहिए थी, अब मैं क्या करूँ, फॉरवर्ड में करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि फॉरवर्ड इज़ टेलर मेड, फॉरवर्ड टेलर मेड होते हैं। मैं दुकान पर जाके उसके काउंटर पर खड़ा हो जाऊँगा, काउंटर पे बोलूंगा भाई मुझे तो 800 किलो का ही कॉन्ट्रैक्ट करना है, अगर आपको लगता है सूटेबल तो बता दो, नहीं तो मैं कहीं और जाऊं। तो ये टेलर मेड होते हो सकते हैं फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स आर नॉट टेलर मेड, वो तो जो बिक रहा है वो बिक रहा है। आप जाके मार्केट में देखो, अगर आप लेट्स से एक्सचेंज में जाओ, एक्सचेंज में एक रिलायंस का शेयर बिक रहा है, रिलायंस का शेयर, आपको मुझे एक नहीं चाहिए, मुझे 0.75 चाहिए, एक्सचेंज का भाई पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है जी। सिमिलर से चीज़ है, आपको अगर 10 किलो का कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, आपको 8 किलो का चाहिए, एक्सचेंज का क्या पॉसिबल ही नहीं है, 10 का ही बिक रहा है हमारे यहाँ, तो चाहिए तो ले लो वरना जाओ। सिमिलरली आप किसी दुकान पर जाओगे, वहाँ जाके खरीद लोगे, दैट्स इट। ओके, फॉरवर्ड एंड फ्यूचर दिमाग में रखना। फॉरवर्ड एंड फ्यूचर इंडिया में कौन मैनेज करता था पहले, एफएमसी के बारे में मैंने पहले भी कहा था पढ़ने के लिए आपको, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन इसका नाम है, एफएमसी ये इंडिया में डील करता है। एफएमसी को अब हमने सेबी के साथ मर्ज कर दिया है, एफएमसी सेबी मर्जर, आपने ये पक्का ही पक्का पढ़ना है, एफएमसी सेबी मर्जर, मैंने आपको पहले भी कहा था पढ़ने के लिए, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसको बनाओ। ओके, नेक्स्ट ऑप्शंस के बारे में बात हो गई, कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल क्या चीज़ होती है, कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल हमने ये प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। लेट्स से मैंने कंपनी ने उधार लिया, डेट लिया, और मैंने लेट से 10 साल का उधार लिया, 10 साल के बाद मैंने अपने जो भी इन्वेस्टर थे, इन्वेस्टर को बोला कि 10 साल तो मैंने आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट या फिर इंस्टॉलमेंट दिए,
किस्तें पे की हैं, 10 साल बीत गए, 10 साल के बाद मैं उनको एक ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन कि अगर आप चाहते हो कन्वर्ट कराना अपने उधार को इक्विटी में तो करवा लो, ठीक है जी। अगर कन्वर्ट करने की ऑप्शन है तो कन्वर्टिबल कन्वर्टिबल डेट है या कन्वर्टिबल डिबेंचर है, अगर नहीं करने की ऑप्शन है तो नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर है। उधार जब ख़त्म होगा तो ऑप्शन मिलेगी आपको इक्विटी में हिस्सेदारी में कन्वर्ट करने की, और मैंने पहले बताया था OFCD करके केस था, ऑप्शनली फुली कन्वर्टिबल डिबेंचर, कि जो आपने किसी ने उधार दिया वो फुली डिबेंचर को अपने डिबेंचर को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकता है, ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर। तो इसको लेके केस था सहारा का, सुब्रत राय पे केस अभी भी चल रहा है, OFCD का केस है। देन जीरो कूपन बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स भी बहुत सिंपल से बॉन्ड्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जीरो कूपन, कूपन किसको बोलते हैं इंग्लिश में, किस्त को, कि ये ऐसे उधार जो कोई किस्त पे नहीं करते, कोई इसमें इंस्टॉलमेंट्स आपको नहीं मिलेंगी। मतलब क्या हुआ, आपने किसी को लेट से उधार दिया, 100 रुपये उधार दिया, अजम्पशन क्या थी, मान लो आपने 100 रुपये उधार दिया लेट से 5 साल के लिए, ठीक है जी, 5 ईयर्स के लिए, तो हर साल आपको किस्त मिलनी चाहिए थी, किस्त मिलती उसके साथ आपके पैसे वापस आ जाते, जो भी बनते आपके टोटल पैसे, जो भी आपने ब्याज की दर रखी होती। लेकिन जीरो कूपन बॉन्ड में ऐसा नहीं होता, जीरो कूपन बॉन्ड में कोई किस्त नहीं मिलती, बस सीधा ही जब टेन्योर आपका 5 साल का जब ख़त्म होगा उसके एंड में कुछ पैसे मिल जाएंगे, 110, 120, 130 जो भी आपने डिसाइड किया होगा, एक बार में पेमेंट मिलती है, कोई इंस्टॉलमेंट्स उसमें नहीं होती, ठीक है जी। तो जनरली सरकार जीरो कूपन बॉन्ड्स बहुत सारे इशू करती है कि सरकार को उधार दो एंड गवर्नमेंट आपको एक बारी ही 7-8-10 साल बाद ये वापस कर देगी। तो ये किस पे मिलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स, इसके इंटरेस्ट रेट को क्या बोलते हैं, डिस्काउंट रेट, ये आपको वर्ड यहाँ समझ लो, डिस्काउंट रेट बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, सिंपल सा मतलब है कि आप मुझे आज 80 रुपये दो, मैं आपको 5 साल के बाद 100 रुपये वापस कर दूंगा, बीच में कोई किस्त नहीं मिलेगी, ठीक है जी। तो जो भी इसका 80-100 बन जाएगा तो कितना बना, 20 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 80 रुपये पे 20/80 इज़ 1/4, 25% के आसपास डिस्काउंट रेट चल रहा है, ठीक है जी। 100 रुपये की चीज़ आपको 80 में मिल रही है आज, 5 साल बाद लेकिन वापस मिलेगी, कितना इंटरेस्ट रेट हो गया, 25%, डिस्काउंट रेट इज 25%, ठीक है। तो ये कहाँ पे, इसका यूजेज कहाँ पर है, इसका यूजेज जनरली है इंफ्रास्ट्रक्चर में। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि लेट्स से आपने बड़ी बड़ी अगर कोई बिल्डिंग्स बनानी है लेट्स से, या फिर आपने पाइपलाइन बिछानी है, हाईवेज या फिर फ्लाईओवर्स, उनको बनने में टाइम लगता है, बनने में टाइम लगने के बाद ये पैसा रिकवरी करने में भी टाइम लगाते हैं। तो इसका मतलब लेट्स से मैंने 5 साल का प्रोजेक्ट चलाया, पहले 2-3 साल तो मेरे सिर्फ और सिर्फ उसको बनाने में लग गए, ठीक है जी, उसके बाद 1-2 साल में ही नेक्स्ट अगले 1-2 साल में पैसे वापस आने शुरू होंगे, तभी मैं किस्त वापस कर सकता हूँ या फिर लोगों के पैसे वापस कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं 2-3 साल तो बना रहा था, तब तो मेरी कोई इनकम नहीं थी, इसीलिए जीरो कूपन बॉन्ड काम आएगा। उस वक्त आपको इन 2-3 सालों में कोई किस्त पे करने की भी कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगी, आप कुछ भी, यू आर नॉट ऑब्लाइज टू पे एनी किस्त। जब पैसे आने शुरू हो जाएंगे उसके बाद एंड में आप इकट्ठे वापस कर देना। तो जीरो कूपन बॉन्ड्स इंफ्रा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ओके, आगे सोवरन डेट। सोवरन का मतलब क्या होता है आपको पता है, कि स्वयं प्रभुता बोलते हैं हिंदी में। सोवरन इज जब मैं अपने डिसीजन खुद ले पाऊँ। कंट्री को हमने सोवरन माना कि कंट्री सोवरन होती है। इस पर आप पॉलिटी में सवाल कर सकते हो कि कोई कंट्री कितनी सोवरन होती है, नहीं होती। सोवरन का मतलब है कि आप खुद के काम खुद कर सकते हो, एंड इसका मतलब ये सरकारी उधार है, गवर्नमेंट डेट है, लेकिन जनरली कौन सा, इंटरनेशनल लेवल की बात हो रही है, इंटरनेशनल लेवल कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे सरकार जाके उधार ले रही है तो उसको सोवरन डेट कहा गया। रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि ग्रीस एक कंट्री है, ग्रीस ने उधार लिया, इंटरनेशनल कम्युनिटी से वापस करने से मना कर दिया, हम वापस नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो उसने क्या किया, अपने सोवरन डेट पे डिफॉल्ट किया। तो यहाँ पे आपके लिए होमवर्क है क्विक, कि ग्रीस को बचाने के लिए ट्रॉयका मतलब तिकड़ी आगे आई। आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि ट्रॉयका कौन सी 3 बॉडीज ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रीज क्या हैं, ये ट्रॉयका जो ऑर्गेनाइजेशंस कंपनीज बॉडीज कंट्रीज जो भी हैं, ये तिकड़ी जो आगे आई है ग्रीस को बचाने के लिए, इस तिकड़ी में कौन कौन शामिल है, कमेंट में जो बताएगा। लेट्स सी कि कितना ध्यान से पढ़ते हो, कितना गूगल भी कर रहे हो।
तभी अकॉर्डिंगली मोटिवेशन मिलेगा हमें भी और नया नया काम करने का। अभी हम क्योंकि प्लान कर रहे हैं कि इको के करंट अफेयर्स को लेके भी छोटे छोटे वीडियोज़ बनाने शुरू करें लोगों को साथ साथ में, क्योंकि अब लोगों को बात समझ आनी शुरू हो गई है। ओके, देन लास्ट हमारे पास ये आज के है कि खान कमेटी। एक RBI ने एक कमेटी बिठाई है, उसका नाम है खान कमेटी। ये खान कमेटी कॉरपोरेट बॉन्ड्स की बात करती है। कॉरपोरेट बॉन्ड्स की क्या कि कहते हैं कॉरपोरेट बॉन्ड की मार्केट को बढ़ावा दो। जैसे कहते हैं आपके स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज में लोग आके क्या कर रहे हैं, इक्विटी खरीद रहे हैं। भाई रिलायंस बोलता है कि मुझे हिस्सेदारी मेरी खरीद लो, लेट्स से मुझे इसके लिए 250 रुपये पे कर दो शेयर के, ठीक है जी, ले लिया। टाटा बोलता है मुझे 400 रुपये पे कर दो शेयर के, उसके हिस्से शेयर खरीद लेते हैं लोग। ऐसे ही हिस्सेदारी ऑफ़र करने के सिवाय हम क्या उधार भी तो ऑफ़र कर सकती हैं कंपनियां, कि आप हमें उधार दो, ठीक है जी, इतना परसेंट लेट से आप मुझे उधार चाहिए 8 साल के लिए, ठीक है जी, आप मुझे बताओ कि मुझे कितने परसेंट पे उधार दे सकते हो। उसको क्या बोलेंगे, उसका IPO आया है, एक तरह से उधार का पहला परचेज ऑफर है, इसमें लोग बिड करेंगे उधार की। कोई बोलेगा मैं तो 8% पे देने को तैयार हूँ, कोई बोलेगा नहीं कंपनी अच्छी है 9% पे ले लो, कोई बोलेगा बहुत ही अच्छी है 10 पे ले लो, कोई कहेगा बकवास प्रोजेक्ट है 7 पे दूंगा मैं तो, ठीक है जी। अकॉर्डिंगली रेंज निकाल सकते हैं हम कितने पे, अकॉर्डिंगली जिस पे जिसने मैक्सिमम बिड किया होगा उस पर कंपनी उधार उठा लेगी एंड मार्केट में उधार ट्रेड होगा। भाई मैंने टाटा को उधार का, टाटा मानो टाटा से उधार लेने आए हैं, टाटा ने उधार लिया और अपने पैसे इकट्ठे किए, कुछ इंटरेस्ट रेट डिसाइड हुआ मार्केट के हिसाब से, पैसे लेके चले गए काम करने, उसके बाद मेरे पास कागज़ पड़ा हुआ है कि मैंने टाटा को या फिर जो भी कंपनी थी उसको उधार दिया हुआ है। वो वाला कागज़ मार्केट में ट्रेड हो सकता है कि देखो जी किसी को चाहिए कागज़, कितने रुपये दोगे मुझे इसके, मैंने तो इसके लिए 100 रुपये दिए हुए हैं, आप मुझे इसके 101 दोगे, कोई कहेगा नहीं मैं तो सिर्फ 100.50 दूंगा। अकॉर्डिंगली जो भी मार्केट प्राइस डिसाइड करती रहेगी उसके हिसाब से उधार की मार्केट भी बन सकती है। खान कमेटी यही बोल रही है। और ये क्यों बोल रही है, हमने पहले भी बात भी की थी ये वेरियस, हमने इको सर्वे वाले जो हमने छोटा सा टॉपिक किया था बैंकिंग में, उसमें ये क्यों, क्योंकि कहते हैं बैंकिंग पे बहुत ज़्यादा बर्डन है, सारा का सारा जो उधार है डेट की मार्केट है वो सारा सारा उधार कहाँ से आता है, बैंक से आता है। वो कहते हैं कि भाई बैंक से क्यों, मार्केट से भी तो लो उधार, मार्केट से उधार लो कंपनियां चलेंगी, वरना बैंक को NPA की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। इसलिए इसको डेवलप करने के लिए RBI ने खान कमेटी का गठन किया और उसकी रिपोर्ट में कहा गया कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट बढ़ाई जाए, ठीक है जी। ये वीडियो में आज यही था, कल हम सरकारी फाइनेंस के बारे में बात करेंगे और कि सरकारी फाइनेंस जिसमें बहुत सारे टर्म्स आती हैं, ऑलमोस्ट आपका प्री का पेपर के लगा के चलो 30-40% सवाल उन्हीं चैप्टर्स में से आएंगे, ठीक है जी। और प्लीज़ कमेंट करो एंड हमारा जो फंड रेजर चल रहा है अभी भी, फंड रेजर में कॉन्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो आप, बाकी आप चैनल देखते रहो एंड थैंक्स फॉर द सपोर्ट।